लाइव में आपके साथ आमिर खान अभी साथ मौजूद है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, और एक महिला जो एसपी ऑफिस में आई है, एक आदमी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, इनसे पूरा मामला जानते हैं, क्या मामला है? देवी है, क्या समस्या लेकर आज जनसुनवाई में आई हूँ मैं सर। 3 बार आ चुकी हूँ जनसुनवाई में, मेरे पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक लक्ष्मी नारायण नाम का व्यक्ति है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरे चेक रखे हुए हैं, मैं पैसे दे चुकी हूँ, उसके बाद भी चेक नहीं दे रहा है। और 2 साल से उसके साथ मेरे शारीरिक संबंध थे, और हमेशा इतना इसने मतलब टॉर्चर करता है कि एक बार मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की है, और वो कोई सुनवाई भी नहीं होती है यहाँ पर। जब भी जाते हैं, मैंने 2 लाख रुपए लिया था उसका, मैं ब्याज का 3,75,000 रुपये मैं दे चुकी हूँ, जिसका मेरे पास वीडियो भी है और मतलब उसकी और रिकॉर्डिंग भी है और ट्रांजेक्शन भी है, क्योंकि 1,14,000 रुपये मैंने उसे अकाउंट में दिया था, उसकी मेरे पास रिपोर्ट भी है मतलब सारा। और मैं थाने में ये बात जाके ना, मैं जब टीआई सर के पास गई तो उन्होंने मेरे से बोला कि मतलब हम दोनों लोगों पक्ष को बिठाएंगे, इसको मामले को यहीं ख़त्म कर दो। तो बुलाया तो 10 लोगों को लेके आया था सर थाने में, मुझे बहुत ही प्रेशराइज किया। उसके बाद भी मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग थी उसकी, तो फिर वो मान गया और जाके टीआई सर के सामने बोला कि ठीक है मैं अब कल जाके अपनी कंप्लेन वापस ले लूँगा। और उसके बाद भी उसने कंप्लेन वापस नहीं की, और वही मुझे रोज़ मतलब टॉर्चर किया जा रहा है हर जगह अलग अलग से, कि मतलब अगर मैं चेक वापस चाहिए ना तो फिर मेरे साथ तुम्हें रहना ही पड़ेगा, और अगर नहीं रहोगी ना तो मैं चेक वापस नहीं करूँगा, ऐसे ही तुम्हारे पर केस लगाऊँगा। मेरे आवेदन लगाने के बाद भी उसने किस चीज़ के लिए पैसे लिए थे? मैंने मकान बनाने के लिए पैसे दिए थे, जो मैं ब्याज के उसको रिटर्न कर चुकी हूँ उसके पास। उसके बाद मेरे सारे सबूत मेरे पास है मोबाइल में। अच्छा, तो आप उसके संपर्क में कैसे आ गई? मतलब आपने पैसे मुझे पहले पैसे दिए थे जब मैं उसको जानती नहीं थी, लेकिन उसने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि मुझे मेरे पैसे वापस दो, नहीं तो मेरे साथ संबंध बनाओ। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते, इसलिए अब वो मेरा मतलब चेक रखे हुए हैं, मेरा पैसा उसका दे दिया है। इस बार 2 बार जन सुनवाई भी आ चुकी हूँ, थाने भी जा चुकी हूँ, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जी सर, और मैं आप पैसे उनके वापस कर चुकी हूँ, मैं बोल रही हूँ हमारे चेक वापस कर दो, तो वो वही चेक वापस नहीं कर रहा है, बोल रहा है मैं नहीं दूंगा चेक वापस, तो मैं हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना होगा। अच्छा जी, तो क्या पैसों की मांग कर रहा है? नो, पैसे दे चुकी हूँ, और वो ये बात थाने में भी मतलब एक्सेप्ट कर चुका है कि मेरे पैसे आ चुके हैं। जो चेक थे वो कोर्ट में भी लगाई थी? जी सर, उसने कोर्ट में भी लगा दिए। जैसे ही उसके पास थाने से फोन गया उसी दिन 15 तारीख को मैंने आवेदन दिया, तो 15 तारीख को इसने मेरा चेक लगा दिया जाके, और अब वो मेरे चेक भी वापस नहीं कर रहा है, मतलब मुझे प्रेशराइज कर रहा है कि जी गोले के मंदिर का है ये। और अगर जी मैं चाहती हूँ मेरे साथ इंसाफ हो, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं इतने दिनों से मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ, तब की पैसा दे चुकी हूँ, और ये सबूत जो है मैंने टीआई सर को खुद दिखाई थी कि ये मैं पैसे दे चुकी हूँ सबके सामने, उसके बाद भी वो नहीं मान रहा है। कितनी बार जनसुनवाई में आ चुकी हूँ? जनसुनवाई में मैं 2 बार आ चुकी हूँ सर। अभी अंदर बात हुई है क्या? अभी क्या कुछ नहीं हुआ, अभी तो उन्होंने सिर्फ रिसीविंग दे दी, पर वो ऐसे बोलते हैं ठीक है सुनवाई होगी, बट कुछ नहीं होती है। मैं 2 बार आ चुकी हूँ, आज 3री बार आई हूँ। थाने में जाते थाने में क्या बोलते? थाने में उन्होंने बोला था कि हम मतलब उसको बुलाया था थाने में, तो वो 10 लोगों को लेके आया था सर। 10 लोगों ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया, उसके बाद भी मेरे पास मोबाइल में जो सबूत थे मैंने दिखाए कि मैंने इसको 3,75,000 रुपये वापस कर दिए हैं, जबकि सिर्फ 2 लाख मतलब उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, उसके बदले में उसको 3,75,000 मैं ब्याज का दे चुकी हूँ, फिर भी मेरे डॉक्यूमेंट वापस नहीं कर रहा है सर। वो क्या कहता है? वो बोल रहा है मेरे से कि मैं चेक बैक वापस कुछ नहीं होंगे, अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा, इस तरीके से प्रेशराइज करता और मुझे बहुत ज़्यादा करता सर। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, ये डेफिनेटली है, क्योंकि मैं बहुत परेशान।